सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आ गए हम इमली के सेटअप पे। ये है फोर लाइन प्रोडक्शन और यहाँ पे देख सकते हो आप बाहर का नज़ारा। हमें मिला है ऑफ़र जियो सिनेमा की तरफ से, जो कि हम अब उसकी तरफ से थोड़ा बहुत काम करेंगे बिहाफ टू फोर लाइन प्रोडक्शन। आ गए हम अपने लोकेशन पे और यहाँ पे काम चलना स्टार्ट हो गया। और ये देखिए खाली हुआ लोकेशन और यहाँ पे प्रॉप्स आना शुरू हो गया। ये हमारे टाइपिस्ट दादा हैं जो कि पर्दा बना रहे हैं और यहाँ पे आप पूरा खाली देख रहे हो वाइट वॉल और ये वाइट पर्दे भी रेडी हो रहे हैं उसके लिए। और ये वाइट पर्दे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अब हम इस दीवार को ना ग्रे कलर में तब्दील करेंगे। ये देखिए हम ग्रे कलर में तब्दील कर रहे हैं और ये सिर्फ ग्रे नहीं होगा, इस पर अभी पैचेस आएंगे जो कि ब्लैक होंगे, ब्लैकिश टाइप में, ब्लैक एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन होगा। और यहाँ पे हम कलर वगैरह करवाना शुरू कर दिए हैं। अब हम हाथों में चाय ले ली क्योंकि भाई थकावट महसूस हो रही थी। और ये हमारा कमरा है जो कि एक्टर एंड एक्ट्रेस का रूम दिखाई देगा और यहाँ पर हम कलर मरवा रहे हैं। यो क्या दे दूं? नहीं ये नहीं मिलेगा। नहीं कोई नहीं, ये सेट के पीछे बहुत लोग पागल हुए हैं। हाँ मैंने बनाया। ये वॉल भी पूरा वाइट था और हम अब यहाँ पे चाय पीते पीते कलर मरवाना शुरू कर दिए थे गाइस। और यहाँ पे काम पूरा एकदम अच्छे से चालू था, नो टेंशन। और फिर हम बाहर आए, यहाँ पे नियॉन पड़े हुए थे, मिक्सर्स पड़े हुए थे डीजे के, जो कि उसका ही सेटअप था। ये सारे सामान हमने बीच में इकट्ठा कर दिए क्योंकि कलर का एक भी बूंद हमारे सेटअप की चांदनी को और बरकरार से बिगाड़ सकता था। यहाँ पर हम आ गए, अब इनसे पूछेंगे कि ये पैच कर रहे हैं। देखिए पैच कैसा लग रहा। तो यहाँ पे पैचेस आपने देखे कैसे लग रहे हैं, अब वो शूट वगैरह में दिखाई देगा। फिर बाहर से हम वापस अंदर से बाहर आ गए, सॉरी बाहर से अंदर बोल रहा हूँ। यहाँ पे हमारे कारपेंटर साहब कटिंग कर रहे हैं और ये बाहर बीच का नज़ारा है, जो कि काम के वजह से हम बाहर जा तो नहीं सकते बट आपको यहीं से दिखा सकते हैं। ये कटिंग वगैरह इसलिए चल रही है क्योंकि हमें मिरर वॉल खड़ा करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये साइड में, राइट साइड में था। सो गाइस हमारा लोकेशन कम्प्लीट हो गया है, बस यहाँ पर हम क्लीन अप करवा रहे हैं। और ये हमारे लोकेशन वाले चाचा है जिन्होंने हमें लोकेशन प्रोवाइड करा है। यहाँ पे क्लीन अप करवाने के बाद हम आपको दिखाएंगे। आप ये देखिए बैकग्राउंड में कैसा लग रहा है बैकग्राउंड। ये अब क्लीन अप होने के बाद का नज़ारा है, बहुत ज़्यादा ही ऑसम लग रहा है क्योंकि छोटी से छोटी हमने डिटेल में काम करी है। और अब हम सो गाइस लाइक कर दो, चेहरा मत देखो, चेहरे पर तो चांदनी टपक ही रही है, तो आ जाओ जल्दी से लाइक कर दो। उसके बाद अब हम घर पर जा रहे हैं। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ताकि कल का मैं शूट का वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। बाय बाय।